नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों फर्स्ट ग्रेड में फर्स्ट पेपर में दोस्तों इतिहास के जो जो टॉपिक थे जिसमें से अपने 11 टॉपिक हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। 12वां चैप्टर अपना चल रहा था जिसका नाम है राजस्थान में किसान एवं जनजातीय आंदोलन तथा प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी। ये दोस्तों अपना 12वां नंबर का चैप्टर था जिसमें अपने दो भाग कंप्लीट हो चुके थे। आज इसमें तीसरा नंबर का भाग है। तो अगर आपने अभी भी आराध्या आरएएस एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों अगर पिछले वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो दोस्तों आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको एक फोल्डर मिलेगा फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर हिस्ट्री के नाम से, तो आप वहाँ जाके सारे वीडियो हैं वो देख सकते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है 61 नंबर, अपने दो भाग कंप्लीट हो चुके हैं 30-30 क्वेश्चन के। ठीक है, 61 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसे मारवाड़ रियासत में जन जागृति लाने का श्रेय दिया जाता है, यानी कि मारवाड़ रियासत में जन जागृति लाने का जो श्रेय है वो किसे दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जयनारायण व्यास को दिया जाता है। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखो जयनारायण व्यास से पूर्व 1918 ईस्वी में चांदमल सुराणा ने मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किया था। ठीक है, जिससे किसानों की समस्या उजागर हो सके लेकिन सकारात्मक परिणाम नहीं मिलने। ठीक है, सकारात्मक परिणाम है वो नहीं मिले। फिर क्या हुआ दोस्तों, 1923 ईस्वी में जयनारायण व्यास ने मारवाड़ हितकारिणी सभा को पुनर्जीवित करने का श्रेय प्राप्त किया और जिसके आधार पर किसानों की अनेक समस्याओं का निराकरण हुआ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयनारायण व्यास। ठीक है, आपको पता भी चल गया कि वो मारवाड़ हितकारिणी की सभा का गठन है वो किसने किया था और इसका जो पुनर्गठन है वो किसने किया था। ठीक है, निम्न में से किसने व्हाट आर द इंडियन स्टेट पुस्तक की रचना की, तो निम्न में से किसने व्हाट आर द इंडियन स्टेट पुस्तक की जो रचना है वो किसने की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है विजय सिंह पथिक ने। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखो विजय सिंह ने अपने अनेक समाचार पत्रों से बिजोलिया किसान आंदोलन को समाचार जो सफल बनाया था। ठीक है, बिजोलिया किसान आंदोलन को है वो अपने अनेक समाचार पत्रों के वजह से दोस्तों इसको सफल बनाया था। और इनके जो समाचार पत्र थे राजस्थान में तो केसरी, राजस्थान केसरी, ठीक है, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान, ये दोस्तों इनके समाचार पत्र थे। ठीक है, 63 नंबर प्रश्न है, बांगड़ क्षेत्र में आदिवासियों को सामाजिक व राजनीतिक रूप से संगठित करने एवं उनमें जन जागृति उत्पन्न करने वाले गुरु गोविंद गिरी किनके विचारों का प्रभाव था, गुरु गोविंद गिरी पर किनके विचारों का प्रभाव था। दोबारा देखो, बांगड़ क्षेत्र में आदिवासियों को सामाजिक व राजनीतिक रूप से संगठित करने एवं उनमें जन जागृति उत्पन्न करने वाले गुरु गोविंद गिरी पर किनका प्रभाव था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों दयानंद सरस्वती का प्रभाव था। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 64 नंबर प्रश्न है, शेखावाटी में जकात आंदोलन 1939 ईस्वी का नेतृत्व किसने किया, शेखावाटी में जकात आंदोलन 1939 ईस्वी का जो नेतृत्व है वो किसने किया, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें नरोत्तम लाल जोशी। ठीक है, 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न है, निम्न में से गलत कथन है, तो दोस्तों गलत कथन है वो कौन सा है वो अपने को इसमें बताना है। तो देखो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो इसमें देखो खांडलाई आश्रम श्री शोभालाल गुप्ता, बांगड़ सेवा मंदिर श्री भोगीलाल पांड्या, हरिजन आश्रम बाबा लक्ष्मण दास, राजपुताना हरिजन सेवा संघ राम नारायण चौधरी, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है खांडलाई आश्रम श्री शोभालाल गुप्ता। ये दोस्तों यहाँ पे गलत दे रखा है, खांडलाई आश्रम की स्थापना है वो माणिक्यलाल वर्मा ने किया था इसकी स्थापना। ठीक है, माणिक्यलाल वर्मा ने इसकी स्थापना की थी खांडलाई आश्रम की, बांगड़ सेवा मंदिर की भोगीलाल पांड्या ने और हरिजन आश्रम की बाबा लक्ष्मण दास ने और राजपुताना हरिजन सेवा संघ की स्थापना है वो राम नारायण चौधरी ने की थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं,
असत्य कथन को छाटना है अपने को, ठीक है, असत्य कथन को छाटना है कि इनमें से क्या हो जाएगा। तो देखो, राजस्थान सेवा संघ का गठन 1919 ईस्वी में वर्धा महाराष्ट्र में विजय सिंह पथिक, अर्जुन लाल सेठी, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर व केसरी सिंह भारत ने की थी। तो दोस्तों बिल्कुल सही है, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना है वो 1919 ईस्वी में वर्धा महाराष्ट्र में हुई थी, और इसकी स्थापना है वो विजय सिंह पथिक, अर्जुन लाल सेठी, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर और केसरी सिंह भारत ने की थी, ठीक है। दूसरा देखो, नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना 1934 ईस्वी में धौलपुर में ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु व जौहरी लाल इंदू ने की थी। बिल्कुल सही है दोस्तों, इसमें ये कथन है ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तीसरा देखो, इसमें मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1910 ईस्वी में चांदमल सुराणा ने जोधपुर में की थी। तो दोस्तों ये इसमें गलत हो जाएगा। मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि मारवाड़ सेवा संघ की जो स्थापना है वो 1920 में हुई थी, ठीक है, 1920 में हुई थी, ठीक है। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1910 में नहीं हुई थी, 1920 में हुई थी, ठीक है। तो ये यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये असत्य कथन है, यहाँ पे 1910 दे रखा है, ठीक है। सर्वहितकारिणी सभा का गठन 1907 ईस्वी में जननारायण व्यास ने किया, ये बिल्कुल सही है। तो 1, 2 और 4 ये सही है, 3 नंबर का ऑप्शन है वो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है। 67 नंबर प्रश्न है, सुरजी भगत का संबंध था तो किससे था सुरजी भगत का संबंध? तो दोस्तों बीलों में सामाजिक व धार्मिक सुधारों से संबंधित था कौन? सुरजी भगत, ठीक है। 4 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, बीलों में सामाजिक व धार्मिक सुधारों से संबंधित था कौन? सुरजी भगत। नेक्स्ट है 68 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो, मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र निम्न में से किसने तैयार किया? मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र निम्न में से किसने तैयार किया? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है भूरेलाल, ठीक है। किसने किया था? मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र निम्न में से किसने तैयार किया था? तो वो किया था भूरेलाल बयाने, ठीक है। किसने तैयार किया था? भूरेलाल बयाने। तो इसका 4 नंबर का ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 69 नंबर प्रश्न है, मेव किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों ये प्रारंभ हुआ था किसके नेतृत्व में? तो मोहम्मद अली के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था मेव किसान आंदोलन, ठीक है। नेक्स्ट है 70 नंबर प्रश्न है, 31 दिसंबर 1945 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देशी राज्य परिषद का अधिवेशन कहाँ किया गया? 31 दिसंबर 1945 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देशी राज्य परिषद का अधिवेशन कहाँ किया गया? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये कहाँ पर किया गया? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर है वो है दोस्तों इसमें कहाँ पर? तो उदयपुर में किया गया, ठीक है। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखो इसमें 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 तक उदयपुर में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन हुआ, और जिसकी अध्यक्षता है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें देखो, पलसाना कटराथल गोदरा व कुंदन गांव संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है दोस्तों? पलसाना कटराथल गोदरा और कुंदन गांव। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी को पता है कि ये कहाँ पर है, तो ये सीकर जिले में है। कहाँ पर है? सीकर जिले में। तो इसका 2 नंबर का ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है, राज्य में किसान आंदोलनों का मूल कारण था, तो राज्य में किसान आंदोलनों का जो मूल कारण था वो क्या था? तो इसका सही उत्तर है, मूल कारण था दोस्तों इसमें लगान व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था, प्रमुख लाग भाग लेना, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उपरोक्त सभी, ठीक है। 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 73 नंबर प्रश्न है, मवेशियों के विक्रय पर वसूल की जाने वाली लगान थी, मवेशियों के विक्रय पर वसूल की जाने वाली लगान थी, तो वो लगान कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सिंगोटी, ठीक है। 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सिंगोटी है ये दोस्तों पशुओं पर लिए जाने वाला कर था, पशुओं पर लिए जाने वाला कर था कौन सा? सिंगोटी।
एक नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 74 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में स्वतंत्रता की आजादी का गढ़ किसे कहा जाता है? तो दोस्तों राजस्थान में स्वतंत्रता की आजादी का गढ़ है वो किसे कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा, तो वो है भीलवाड़ा। ठीक है, दो नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखो भीलवाड़ा का शाहपुरा कस्बा है वो आजादी के गढ़ के नाम से प्रसिद्ध है। शाहपुरा को भारत का खेड़ा या गढ़ भी कहा जाता है क्योंकि शाहपुरा में भारत परिवार ने स्वतंत्रता संग्राम में अपना बलिदान दिया था। नेक्स्ट है, वीर भारत सभा की स्थापना 1910 में किसने की थी? तो आप सभी को पता है किसने की थी, तो केसरी सिंह भारत ने की थी वीर भारत सभा की स्थापना 1910 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट 76 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो वह व्यक्ति जिसके परिवार के सभी सदस्यों ने राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के लिए अपने जीवन को न्योछावर किया, वह व्यक्ति जिसके परिवार के सभी सदस्यों ने राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन में अपने जीवन को न्योछावर कर दिया था, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन, तो केसरी सिंह भारत। 3 नंबर का जो ऑप्शन है सही उत्तर हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है, मेरी माँ रोती है तो रोने दो, मैं अपनी माँ को हंसाने के लिए सैकड़ी माताओं को रुलाना नहीं चाहता, यह कथन निम्न में से किसका है? तो यह कथन है दोस्तों आप सभी को पता होगा कि प्रताप सिंह भारत का कथन है ये। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखो अंग्रेज अधिकारी उस समय था चार्ल्स क्लीवलैंड। ठीक है, तो दोस्तों चार्ल्स क्लीवलैंड ने क्या किया था कि प्रताप सिंह भारत को बरेली जेल में घोर यातनाएं दी जिससे वह अपने साथियों के नाम बता दे, लेकिन उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला, तो तब इनसे कहा गया कि तुम्हारी माँ तुम्हें याद करती है तो इन्होंने कहा कि मेरी माँ रोती है तो रोने दो, मैं अपनी माँ की खुशी के लिए हिंदुस्तान की हजारों माताओं को रुलाना नहीं चाहता। इस प्रकार बरेली जेल में ही प्रताप सिंह भारत ने दम तोड़ दिया था। ठीक है, तो 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 78 नंबर प्रश्न है, केसरी सिंह भारत के अनुसार जिस प्रकार पंजाब को लाला लाजपत राय व महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक पर गर्व है, ठीक उसी प्रकार राजस्थान को निम्न में से किस पर गर्व है? तो दोस्तों राजस्थान को निम्न में से किस पर गर्व है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों गोपाल सिंह खरवा पर गर्व है। ठीक है, तो 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखो केसरी सिंह भारत ने 1903 ईस्वी में चेतावनी राचुंगटिया लिखकर किस महाराणा को दिल्ली दरबार में जाने से रोका था? तो वो किस नाम क्या था, तो वो था दोस्तों फतेह सिंह। अब देखो मैं आपको इसमें थोड़ी सी बता देता हूँ कि केसरी सिंह भारत ने अपने जीवन पर प्रसिद्ध समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों का भी प्रभाव पड़ा था। ठीक है, सरस्वती इन्हें अपना प्रिय शिष्य है वो मानते थे। केसरी सिंह भारत ने सर्वस्व मतलब अपना सब कुछ है वो देश के नाम न्योछावर कर दिया था, और इन्होंने चेतावनी रा चुंगटिया लिखे थे और जिन्हें पढ़कर फतेह सिंह ने दिल्ली दरबार में 1903 में जब जा रहे थे तो इन्होंने विचार है वो त्याग दिया था और रास्ते में से ही वापस आ गए थे। ठीक है, और दोस्तों 1910 में वीर भारत सभा का गठन भी किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है फतेह सिंह। ठीक है, तो 2 नंबर का ऑप्शन है सही उत्तर। 80 नंबर प्रश्न है, जयपुर में जैन वर्तमान विद्यालय 1907 ईस्वी के नाम से एक क्रांतिकारी प्रशिक्षण संस्था का गठन किसने किया? जयपुर में जैन वर्धमान विद्यालय 1907 ईस्वी के नाम से एक क्रांतिकारी प्रशिक्षण संस्था का गठन किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अर्जुन लाल सेठी ने किया। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखो अर्जुन लाल सेठी ने युवा क्रांतिकारियों की गतिविधियों एवं उन्हें प्रशिक्षण देने के लिए जयपुर में 1908 ईस्वी को जयपुर में जैन वर्धमान विद्यालय का गठन किया, और यह इससे पूर्व संस्था थी वो अजमेर में थी। ठीक है, और दोस्तों जो क्रांतिकारी थे, देखो एक तो मोतीचंद और एक माणिकचंद, ठीक है, ये दो क्रांतिकारी थे वो इसी विद्यालय से संबंधित थे। ठीक है,
और इसी विद्यालय में दोस्तों इनका क्रांतिकारी प्रशिक्षण प्राप्त होता था इनको। 81 नंबर प्रश्न है, राजस्थान के गांधी के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति हैं तो कौन है? तो वो है दोस्तों गोकुल भाई भट्ट। ठीक है, राजस्थान के गांधी के रूप से प्रसिद्ध दोस्तों गोकुल भाई का गोकुल भाई भट्ट का जन्म है वो 1898 ईस्वी में हुआ था। और वो कहाँ पर हुआ था? तो सिरोही जिले में हुआ था। ठीक है, और ये दोस्तों स्वतंत्रता संग्राम के लिए सेंट जेवियर स्कूल मुंबई से पढ़ाई कर कर दोस्तों पढ़ाई बंद कर कर और महात्मा गांधी की सलाह पर देश की सेवा में लग गए थे। ठीक है, और इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो राजस्थान के गांधी के नाम से किसे जानते हैं? तो गोकुल भाई भट्ट को जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, वीर भारत समाज की जो स्थापना है वो किसने की थी? तो वो की थी दोस्तों किसने? विजय सिंह पथिक ने। ठीक है, एक नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से किसे आदिवासियों का गांधी या बांगड़ का गांधी कहते हैं? तो दोस्तों किसे कहते हैं? तो आप सभी को पता होगा किसे कहते हैं बांगड़ का गांधी? तो वो कहते हैं दोस्तों भोगीलाल पांड्या को। ठीक है, इसको तो दो नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, भोगीलाल पांड्या को। ठीक है, चार नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, 84 नंबर प्रश्न है, 3 अप्रैल 1946 ईस्वी को राज्य के किस महान स्वतंत्रता सेनानी को जेल में केरोसिन डालकर या केरोसिन छिड़ककर जिंदा जला दिया था? तो किसे जला दिया था? तो वो जला दिया था दोस्तों सागरमल गोपा को। ठीक है दोस्तों, इन्होंने पुस्तक लिखी थी आज़ादी के दीवाने, ठीक है, गुंडाराज, ठीक है, और एक मुकदमा था, एक ऐसी पुस्तक लिखी थी, तीन पुस्तकें लिखी थी इन्हें। ठीक है, तो देखो आज़ादी के दीवाने नामक पुस्तक में उन्होंने क्या किया था कि जवाहर सिंह जो वहाँ का उस समय शासक था तो उसकी बुराइयों को उजागर किया था और जनता से राज्य की आज़ादी के लिए निवेदन किया था। ठीक है, ऐसी स्थिति में दोस्तों सागरमल गोपा को गिरफ्तार कर लिया गया और 1946 में उन्हें जेल में केरोसिन डालकर जिंदा जला दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट 85 नंबर प्रश्न है, देखो निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी को गांधी जी के पांचवें पुत्र के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है? तो किसे प्राप्त है वो? तो वो जमनालाल बजाज को प्राप्त है। सेठ जमनालाल बजाज को गांधी जी का पांचवा पुत्र भी कहा जाता है क्योंकि इस व्यक्ति ने उदारतापूर्ण नीतियों के द्वारा गांधी जी के साथ मिलकर समाचार पत्रों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 86 नंबर प्रश्न है, आज़ादी के दीवाने व जैसलमेर का गुंडाराज नामक पुस्तक लिखी तो किसने लिखी? तो ये लिखी थी दोस्तों सागरमल गोपा ने। तीन नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, 19 जून 1942 को राजस्थान का कौन सा स्वतंत्रता सेनानी भूख हड़ताल व यातनाओं के कारण शहीद हुआ था? तो वो था कौन? बाल मुकुंद बिस्सा। दो नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, 88 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो काशी के बाद सिक्कर में जन्मा कौन सा स्वतंत्रता सेनानी अपने आप को गुलाम नंबर 4 कहता था? तो दोस्तों काशी का बास जो सिक्कर में पड़ता है, तो काशी के बास में जन्मा कौन सा स्वतंत्रता सेनानी अपने आप को गुलाम नंबर 4 कहता था? तो वो था दोस्तों जमनालाल बजाज। तीन नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखो सेठ जमनालाल बजाज का जन्म है वो 4 नवंबर 1889 ईस्वी को सिक्कर में काशी के बास नामक स्थान पर हुआ था और ये दोस्तों अपने आप को गुलाम नंबर 4 कहता था। कौन है? जमनालाल बजाज। नेक्स्ट है, सेठ दामोदर दास राठी की जन्मभूमि पोखरण जैसलमेर थी, इन्होंने अपनी कर्म भूमि किसे बनाया? तो दोस्तों जन्मभूमि थी तो पोखरण जैसलमेर, लेकिन कर्म भूमि है वो किसे बनाया? तो वो बनाया दोस्तों इन्होंने ब्यावर को जो अजमेर में पड़ता है। तो देखो 1889 ईस्वी में ब्यावर में दोस्तों राज्य की प्रथम सूती कपड़ा मिल द कृष्ण मिल की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? सेठ दामोदर दास राठी के द्वारा। दोस्तों 1906 ईस्वी में एडवर्ड्स मिल की स्थापना की गई
लेकिन 1998 में ये उम्मीद बंद हो गई। सेठ दामोदर दास राठी का जन्म संबंध है वो जैसलमेर के पोखरण क्षेत्र से था और इन्होंने अपना कार्य क्षेत्र है वो ब्यावर अजमेर को बनाया। 90 नंबर प्रश्न है, राज्य का लोहा पुरुष किसे कहा जाता है? तो दोस्तों वो कहा जाता है किसको, दामोदर लाल व्यास को कहा जाता है। ठीक है, दामोदर लाल व्यास को दोस्तों लोहे पुरुष कहा जाता है राजस्थान का। तो एक नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो गया अपने स्वतंत्रता, ठीक है, से संबंधित जो स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है, राजस्थान में किसान एवं जनजातीय आंदोलन एवं प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी। तो दोस्तों ये आज अपना तीसरा पार्ट है, ये इसका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, कल ही दोस्तों इसका चौथा नंबर का पार्ट आएगा। तो आराध्या रेस अकेडमी के साथ में जुड़े रहिए, और अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो जरूर देखें। आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको सारे के सारे फोल्डर मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज, मतलब ज्योग्राफी के मिल जाएंगे, पॉलिटिकल साइंस के मिल जाएंगे, साइंस के मिल जाएंगे, ठीक है, इकोनॉमिक्स के, सब के मिल जाएंगे दोस्तों वहाँ पे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।